morning, class 3rd. This is your SST class and I am going to explain chapter number 6, types of houses. Class, ये आपकी SST की है class, तो आपको मैं chapter 6 explain करने जा रही हूँ. Chapter 5 तक मैंने आपको complete करा दिया है class, जो कि आपका PT1 था. Chapter 5 तक आप लोगों का PT1 complete हो चुका है. अब हम start कर रहे हैं PT2, जो कि है types of houses, आपका chapter number 6. क्लास आप लोगों का जितना भी चैप्टर हो गए हैं कंप्लीट, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपीज में. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. हाउसेस आर बिल्ड टू लिव इन. टाइप्स ऑफ हाउसेस, देखो क्लास, इस टाइप्स ऑफ हाउसेस में आपका बताया गया है हम हाउसेस क्या होते हैं. हाउसेस होती है वो जगह जिनमें हम रहते हैं, ठीक है. तो हाउसेस बेसिकली आप जहाँ रहते हो वो कहलाई जाती है, रहने की जगह को हम बोलते हैं हाउसेस या घर. तो हम पढ़ेंगे हम किन किन टाइप्स के हाउसेस में रहते हैं. हाउसेस आर बिल्ड टू लिव इन. हाउसेस क्यों बिल्ड मतलब होता है बना, ठीक है. बिल्ड मतलब होता है बना, ठीक है, वो बनाए जाते हैं, ठीक है, मेक करना. तो हाउसेस आर बिल्ड टू लिव, घर क्यों बनाए जाते हैं उनमें रहने के लिए. वी ऑल लिव इन द हाउस. हम सब कहाँ रहते हैं, हम सब रहते हैं घर में. द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टोन. हाउस प्रोटेक्ट का मतलब होता है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सेव करना या सुरक्षित करना या बचाना. तो हाउस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं हीट गर्मी से, कोल्ड आपका ठंडक, रेन आपका बारिश से, स्टॉर्म यानी कोई भी तूफान से, ठीक है. जैसे कि आप घर में हो, आप घर में रह रहे हो, अगर आप बाहर हो, ठीक है, अगर आप बाहर रह रहे हो तो आप अगर बारिश होती है तो भीग सकते हो, ठंड लगती है आपको. और जब आप घर में रहते हो तो आप कितना सेफ, आप महसूस करते हो, फील करते हो कितने सेफ हो आप, कितने सुरक्षित हो. तो हम खुद को सेफ रखने के लिए, आपको खुद को बचाने के लिए हम जो है हाउसेस में रहते हैं, हाउसेस बनाते हैं, ठीक है. तो हमें हाउसेस जो है प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म, ठीक है. हीट गर्मी, कोल्ड ठंडक, रेन बारिश, स्टॉर्म तूफान. इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कीज एंड वाइल्ड एनिमल्स. इसके अलावा हमें, हम घर में रहते हैं तो हमें जो है चोरों का भी डर नहीं रहता है. और हमें घर जो है, जैसे आप घर में चोरी हो जाती है सही, लेकिन अगर आप अपनी सेफ्टी रखोगे, आप प्रॉपर सेफ्टी रखोगे तो आप के घर में जो है चोर भी नहीं आ सकते और एनिमल्स. तो यानी कि हमें घर जो है वो जंगली जानवरों से और चोरों से बचाते हैं. आप बाहर जाओ, आपके पास कोई चीज़ है, आप बाहर घूम रहे हो, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है, तो आपको डर रहेगा कि आपके पास जो है वो चोरी हो सकता है. लेकिन आप घर में हो तो आप घर में सेफ हो. और आर हाउस इज अ सेफ प्लेस टू लिव इन एंड स्टोर्स आर थिंग्स. हमारा घर जो है वो एक सेफ मतलब सुरक्षित, सुरक्षित प्लेस मतलब जगह, रह टू लिव इन, यानी कि हमारा घर जो है एक सुरक्षित जगह है रहने के लिए. और इसके अलावा हम अपनी चीज़ें भी इसमें स्टोर करते हैं. टू लिव इन एंड स्टोर आर थिंग्स. हम अपनी चीज़ें जो है इसमें रखते हैं, स्टोर करते हैं, और हमें जो है घर हमें बचाता है सारी चीज़ों से. वी कैन रेस्ट एंड स्लीप इन आर हाउस. हम अपने घर में आराम करते हैं, सोते हैं. वी गेट पीस, कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस. पीस होती है, देखो हमें घर में होती है पीस, शांति, कम्फर्ट, आराम और आपको हैप्पीनेस. आपको बताइए हमें हैप्पीनेस क्या होता है, यानी खुशी, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें काम करती हैं हमें हाउस, ठीक है. तो हमें पीस, कंफर्ट और ये हमें अपने घर में, आपने देखा होगा आप किसी दूसरे के घर जाते हो तो आप किसी दूसरे के घर गए तो आप दूसरे के घर जाओगे ना, आप रहते हो, सारे आराम होते हैं, देख सारी चीज़ें होती है, इवन सारी चीज़ें आराम होता है, बिस्तर होता है, कूलिंग होती है,
जैसे भी जैसे आपको घर में चीज़ें प्रोवाइड होती है वैसे ही दूसरे के घर में होती है सब चीज़ें, लेकिन हमें जो एक शांति आराम और हैप्पीनेस जिससे मैंने बताया पीस कम्फर्ट हैप्पीनेस ये हमें अपने घर में आर हाउस यानी हमें अपने घर में ही मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस। देखो दो तरीके के टाइप्स होते हैं हाउसेस के, दो टाइप होते हैं परमानेंट हाउसेस टेम्परेरी हाउसेस। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आपका, जब आपकी वीडियो जाएगी अच्छे से सुनना
समझना एक बार नहीं, आप उसको 10 बार देख सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन, आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास में पढ़ा लिया, आपको घर पे गए भूल गए, लेकिन आपके पास ये जब तक होगा, जब तक आपको समझना है, आप एक बार नहीं 10 बार ये वीडियो को देखो, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है हो सकता है समझाने में, मेरे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, मैं उसको दूसरे तरीके से समझा दूंगी आपको, तो आप जो है वो जो भी क्वेरी है आपको, वो क्वेरी आप मुझे जो है वो कल तक सेंड कर सकते हो, ठीक है। वो कल तक नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि आप मुझे सेंड कर दोगे, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में आपकी ये क्वेरी मैं डिस्कस करूँगी, आपको जो भी प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर यू हैव टू सेंड इट, सेंड यू क्वेरी ऑन योर वीडियो या थ्रू वीडियो, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वीडियो के थ्रू, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया, क्वेश्चन आंसर करा रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर करा दिया, और आप मेरे से पूछो कि मैम हमें सिक्स चैप्टर में ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो क्लास में ऐसे नहीं समझाऊंगी आपका। जब तक ये चैप्टर रोटेशन में है, जब तक ये कंटिन्यू है, आप ये चैप्टर आपको उसी के ड्यूरेशन में आप मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो, और इन मेक श्योर यू हैव टू सेंड क्वेरीज थ्रू वीडियो, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो दे सकते हो, जो भी क्वेरी है आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझा दिया जाएगा। क्लास मैंने आपको आज समझाया, आपको टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस आपको समझ में आ गया होगा कि हाउसेस क्या होते हैं, एक बार और समझा देती हूँ। हाउसेस जो है हमें रहने के लिए बनाए जाते हैं, और हाउसेस जो है हम इसमें रहते हैं, हाउस हमें जो है गर्मी सर्दी बारिश तूफान इन सबसे बचाता है, इसके अलावा हमें छोटों से और एनिमल से बचाता है। हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम आराम सुकून शांति खुशी ये सारी चीज़ें हम जो है फील करना है अपने घर में। आपको बाहर से आओ थक कर आप घर में आ गए हो तो ऐसा लगता नहीं आपको, कितना आपको रिलैक्स फील हुआ है। तो अब दो टाइप्स के हाउस होते हैं, परमानेंट हाउस और टेम्परेरी हाउस। परमानेंट हाउस मैंने आपको बताया अभी क्लास, टेम्परेरी हाउस जो है वो थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, इसमें काफ़ी टाइप्स हैं टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस में क्या क्या आता है, आपके हट लॉगर स्टिल्ट हाउस हाउस बोट टेंट इग्लू ये सारे आते हैं आपके टेम्परेरी हाउस में। तो क्लास में आपको ये टेम्परेरी हाउस जो टॉपिक है आपका वो मैं कल समझाऊंगी, ठीक है। आज मैंने आपको परमानेंट हाउस का क्लियर कर दिया है। परमानेंट हाउस में आपको एक बार समझा देते हैं, परमानेंट हाउस वो हाउस होते हैं जो कोई व्यक्ति जब घर बनाने की सोचता है तो वो इस प्लानिंग से बनाता है कि उसे उस घर में लंबे समय के लिए रहना है, तो वो लंबे समय में रहने के लिए जो घर बनाता है और जिसमें वो क्या क्या सामान का यूज़ करता है, ईंटें पत्थर सैंड सीमेंट स्टील ग्लास ये सारी चीज़ें, इसके अलावा उसकी हेल्प से बनाता है इंजीनियर आर्किटेक्ट मेसन लेबर प्लम्बर और कारपेंटर, सबकी हेल्प से बनाया जाता है ये सारे हाउसेस। ये जो इन सबके हेल्प से और इन पर्पज से जो हाउस बनाया जाता है वो कहलाया जाता है परमानेंट हाउसेस, और परमानेंट हाउसेस को हम पक्का हाउस भी कहते हैं। तो क्लास आपके मैंने आज आपको दो टॉपिक डिस्कस कर दिए, हाउस का मीनिंग बता दिए, टाइप्स ऑफ हाउस होते हैं आप परमानेंट बता दिए, और आपका टेम्परेरी हाउस जो है टेम्परेरी हाउस में आपको कल एक्सप्लेन करूँगी, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो आपको कंटिन्यूशन में कल कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो क्लास आप खुद मेरे से पूछ सकते हो। सो क्लास फोकस ऑन योर स्टडीज, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, डेली आपको जो है फोकस करना है, ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि स्कूल बंद है तो हमें पढ़ना नहीं है स्कूल को लेकर, ऐसा नहीं है, आपको डेली पढ़ना है जो भी आपको वर्क आपको दिया जा रहा है, आपको जो वीडियोज़ दी जा रही हैं तो उन वीडियोज़ में आपको प्रॉपर समझना है, जैसे आपकी क्लास स्कूल आते थे वैसे ही लग रही है आपकी क्लास से, बस आपको घर पे बैठ के जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोई भी पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना है, कोई भी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाए जा रहे हैं आपको ये है कंसंट्रेशन से अच्छे से पढ़ना है। क्लास आपको कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपको जो वर्क कराया जाएगा वो आप कॉपी में कर लिएगा, आपको बता दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग, जो भी वर्क की आप जो कराया जाएगा उसके रिगार्डिंग कॉपी के रिगार्डिंग आपको बता दिया जाएगा। सो थैंक यू क्लास।